देश की सरकार ने भाई अमृतपाल सिंह जेल में रोक करके उसके साथियों जेल में नहीं रोकिया, अमृत संचार की लहर में रोकिया है। बीबी बानो के कातलों नूं रिहा किया जा सकता है। हरियाणे के अंदर नूह दे विच एक थाने नूं अग ला के साड़ दिता जाता है, पर दसो जिन्हां ने उस थाने नूं अग लाई पुलिस कर्मचारियों के उत्ते हमला किया किसी एक नूं भी सज़ा होई तो दसो। पर साध संगत एक गल का तुसी फैसला कर लवो कि तुसी इस देश दे विच रह करके आजाद होना है कि जां इसे तरह गुलामां वाली हालत दे विच रह करके अपनी जिंदगी बतीत करनी है। कि जदों एक सरकार का समा लंघ जाता तो असी दूजी सरकार दे तो आस लाने आस कि यह सरकार कोई सिखां दा कुछ करेगी। गुरमुखो भुल जाओ, जिहड़ी राज सरकार स्टेट के प्रबंध थले चलेगी वो कदे भी कौम का भला नहीं कर सकेगी। इत्थे बड़िया सरकार आईया, बड़िया सरकार चले जानिया, जिन्ना चिर तक तुसी अपने साध संगत जी इस देश की धरती ते अग ला के साड़िया जाता है, उसका अंग अंग करके खिलारिया जाता है, तो जिन्हां ने सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेदबी की और जिन्हां ने करवाई उन्हां विचों किसी एक नूं भी कोई सज़ा मिली है तो दसो। वो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेदबी के संबंध के विच जदों तुसीं गुरु का पंथ इकट्ठा हुंदे हो, कोई राह रोकू मोर्चा लाउंदे हो, देश की हुकूमत दे हुक्म मुताबक इस देश की जिहड़ी पुलिस है वो साढ़े ढाड़े ते गोलियां मार करके साढ़े सिखां दे घरां नूं उजाड़दी है। हालात कैसे हन? गुरदेव सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जे सतगुरु जी ने साढ़े तो चार पुत कुरबान किए। साध संगत जी, गुरदेव सतगुरु साहिब जी महाराज जी ने अपने पुत कुरबान करके साड़ी चढ़दी कला अते सिद्धांत नूं ज्यौंदा त्यों रखने वास्ते महाराज जी ने यह वचन किया, सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सवै करतारा। जिस गुरदेव सच्चे पातशाह महाराज जी ने सानू इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सतचार, चार मुए तो क्या भया जीवत लाख हजार। ते साध संगत सतगुरु साहब जी महाराज ने सानू पुत्र ते पुत्रियां दा मान बख्शिया है। वो सतगुरु साहब महाराज जी दे आपां सिख हाँ। इस मंच तो सकत्तर साहब वालों हुक्म होया कि किसी जथेबंदी संप्रदाय के खिलाफ इस तो कुछ बोलिया ना जावे। मैं परसों या चार दिन पहला भी इतों इस मंच तो बेनती की सी, अज फिर बेनती करदे आं कि देश की सरकार ने भाई अमृतपाल सिंह जेल में रोक करके उसके साथियों जेल में नहीं रोकिया, अमृत संचार की लहर में रोकिया है। अमृत संचार की लहर में रोकिया, ना कि भाई अमृतपाल सिंह के साथियों जेल में रोकिया है। अमृत संचार की लहर में प्रचंड करने वास्ते मैं इस तो मंच तो माता जी नो एक बेनती करदा कि माता जी जिस मनसूबे वास्ते उन्होंने भाई अमृतपाल सिंह नू जेल डकिया है कि कौम दे अंदर सिखी लहर प्रचंड हो रही है, उस लहर नू दोबारा प्रचंड करन वास्ते तुसी अपनी रसना द्वारा मीडिया राही सिख जगत नू बेनती करो। वो बेनती की होवेगी, दिन तुसा मकर करना है कि समुचे सिख जगत नूं कहो कि देश की हकूमत ने
अमृत संचार की लहर रोकण वास्ते भाई अमृतपाल सिंह जेल में डकिया है ते आपां इस अमृत संचार की लहर रुकन नहीं देना है। माता जी दिन तुसी मुकर्र करो कौम ताड़ी आवाज नूं भाई अमृत सिंह अमृतपाल सिंह की आवाज मन करके आवेगी ते समुची कौम जिन्हां ने अज तक गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे खंडे बाटे का अमृतपान नहीं किया है वो लोग जिहड़े अपने आप नूं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सिख तां खवाउंदे हन पर उन्होंने अजे तक गुरु के खंडे बाटे का अमृतपान नहीं किया है। वो अमृत श्री अकाल तख्त साहब जी के पवित्र मुकाम ते आ करके अमृत छकण। माता जी तुसी समुचे पंथ नूं समुची कौम नूं बेनती करो। और दूजी मैं बेनती करदे हां साध संगत अज साडी इस आजाद देश दे अंदर गुलामां वाली हालत कि जिन्हां दियां सजावां खत्म हो चुकियां है भावें उह भाई जगतार सिंह हवारा है भावें भाई अवता परमजीत सिंह भ्यूरा है इत्यादिक जिहड़े सिंह जेलां विच डके हुए जिन्हां दियां सजावां खत्म हो चुकियां हन देश दी सरकार उन्हां नूं छड़ नहीं रही। जे उन्हां ने पंजाब दे उस मुख्यमंत्री नूं सौदा लाया जिसने पंजाब दी नौजवानी दा कान करना चाहिया ते सरकार दे कानून ने अपना काम कीता ते उन्हां नूं सजावां दित्तियां सजावां खत्म होईयां पर देश दी सरकार अज तक क्यों नहीं रिहा कर रही कि तुसी इस देश दे अंदर गुलाम हो गुलाम हो। सत संगत जी बीबी बानो दे कातलां नूं रिहा किया जा सकता है हरियाणे दे अंदर नूह दे विच एक थाने नूं अग ला के साड़ दिता जाता है पर दसो जिन्हां ने उस थाने नूं अग लाई पुलिस कर्मचारियों के उत्ते हमला किया किसी एक नूं भी सज़ा होई तो दसो। जे गुरु के सिखां ने गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन बचना ते पहरा देंदे होइआं अपन हत्थी अपना आपे ही का सवारी दे महावाक अनुसार पंजाब दे दुट मुख्यमंत्री नूं धुर दीआं टिकटां दे करके नरकां विच भेजिआ उन्हां गुरु के सिखां दीआं सजावां खत्म हो चुकियां ने पर देश दी अदालत देश दी सरकार उन्हां नूं रिहा करन वास्ते तैयार नहीं। पर साध संगत एक गल दा तुसी फैसला कर लवो कि तुसी इस देश दे विच रह करके आजाद होना है कि जां इसे तरह गुलामां वाली हालत दे विच रह करके अपनी जिंदगी बतीत करनी है। मैनू कई वारी हैरानगी हुंदी है कि जदों एक सरकार दा समा लंघ जांदा ते असी दूजी सरकार दे तो आस लाउणे आस कि इह सरकार कोई सिखां दा कुछ करेगी। गुरमुखो भुल जाओ जिहड़ी राज सरकार स्टेट दे प्रबंध थले चलेगी वह कदे भी कौम दा भला नहीं कर सकेगी। इत्थे बड़ियां सरकारां आईयां बड़ियां सरकारां चले जाणियां जिन्ना चिर तक तुसी अपने खालसा राज दी प्राप्ति करन वास्ते जां खालसा राज नूं प्राप्त करन वास्ते जां खालसा राज लैण वास्ते कोई हीला ना कीता ते तुसी इस आजाद देश दे अंदर ऐसी हाल दे विच रहोगे कि जालम जदों मर्जी आवेगा वह सिख नौजवानों नूं चुक के लै जाएगा ते उस नूं छडाउण वास्ते जदों तुसी अदालतां दा बूआ खड़काओगे ते साध संगत जी अदालतां तुहाडी गल नहीं सुणगियां ते फिर तुसी धरने लाउण लई मजबूर हो जावोगे। कौम दी माया नाज हस्ती बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरख उन्हां दी शहादत तों बाद भाई अमरीक सिंह दी शहादत तों बाद जनरल शबेग सिंह दी शहादत तों बाद बाबा ठारा सिंह दी शहादत तों बाद बेअंत सिंह दी शहादत तों बाद दे विच साध संगत जी की देश दी किसी अदालत ने तुहानूं न्या दिता सिंघां दी शहादत होई अकाल तख्त साहिब ढाया गया हरिमंदर साहब दे विच गोलियां मारियां गईयां पर देश दी सरकार सानूं दसे कि बाबा जरनैल सिंह तों लै करके
जिन्ने सिंह सरकार ने शहीद किए उन्होंने गुनाह की सी, दोष की सी? कोई गुनाह नहीं है। तो किसी गुनाह के तहत तुहानू गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मेरी गल नू पक्की तरह नोट कर लो साध संगत, बाबा जरनैल सिंह की शहादत तो बाद, अकाल तख्त साहब की उसारी तो बाद, बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले महापुरखां दे पाए हुए पूरनियां ते गुरु के सिखां ने चलदियां लम्मा संघर्ष किया। उस संघर्ष के चलदियां होइयां साध संगत जी सिख कौम ने अपना फैसला आप किया। गुरदेव सच्चे पातशाह महाराज के सिधांत के मुताबिक जब आप की औद विधान बने, अत हिरन में जूझ मरों के महावाक्यां अनुसार कौम ने लम्मा संघर्ष किया। तो साध संगत अज असी उस संघर्ष तो बाद जिहड़ी साडी हालत है वह सामने है। कुछ लोगों के विचार आते हैं कि माता जी ने इत्थे भुगड़ताल ते नहीं बैठना चाहिए। बेनती करा कि तुसी दस दिओ कोई होर उपचार है, कोई होर यतन है? ना साडे कोल राज है, ना साडे कोल हथियार है, कोई तोप है जिहड़ी असी चला देंगे। केवल तो केवल इको ही उपचार है। गुरु के सिख डिब्रूगढ़ की जेल में भुख हड़ताल से बैठे हैं, इत्थे माता जी बैठे हैं, तो साध संगत जी इस भुख हड़ताल के बहाने पंथ कट्ठा होया है। पंथ का फैसला जोड़ा है वह पंथ ने करना है। साध संगत बेअंत भुलों की खिमा, अपने राज की प्राप्ति करने वास्ते जे तुसी कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो इस देश के अंदर ताड़ी किसी प्रकार की कोई गल नहीं चलनी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेदबी करने वाले नूं सजावां नहीं, सिखां दे कादरां नूं कोई सजावां नहीं। तो साध संगत जी अदालतां विच ओह लोग बैठे हैं जिहड़े तुहाडे दाड़े तो वेख के घबराउंदे हन, जिहड़ियां तुहाडियां दस्तारां तो वेख के कहाउंदे हन। तो आपां साध संगत जी चुप करके घरां विच बैठे हाँ। आखिर विच मेरी बेनती है कि माता जी नूं कि माता जी ए एक आवाज़ दिओ कौम नूं, अमृत संसार की लहर नूं प्रचंड करन वास्ते मेरी बेनती है। वह बुधवार का दिन नियत करो, ऐतवार का करो, समुची कौम नूं बुलाओ श्री अकाल तख्त साहब ते कि आ के अकाल तख्त साहब ते जिन्हां ने गुरु के खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया, वह गुरु के खंडे बाटे का अमृत छक करके गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के नादी पुत्र बनन, तां साध संगत सच्चे पातशाह महाराज जी मरहमत करनगे। बेअंत होईआं भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।